Dear students, today we are going to study time value of money. It is the most important concept in finance, which I'll try to make very, very, very simple for you all. So let's start with a very basic question. Why do we pay interest? Why do we pay interest? There are certain factors कि हम लोग interest क्यों pay करते हैं. There is a risk factor associated with money. What is risk factor? मैंने जिसको अपना पैसा दिया है, हो सकता है कि वो मेरा पैसा मेरे को वापस ना लौटाए. सबसे पहले what is interest? आपको मैं ये बताना चाहता हूं. So, let's say suppose today I am giving someone 10,000 rupees and after 5 years, he gives me 13,000. So the extra 3,000 which I am getting, क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया, is termed as interest. हम लोग किसको पैसा क्यों देंगे? Because हम लोग को कुछ extra चाहिए होता है. तो वो जो extra we get, that is known as interest. Now why do we pay interest? Because there is a risk factor associated with money. जहां जहां पैसा है, पैसे के साथ एक risk associated है. मेरा पैसा सबसे ज्यादा सेफ मेरे पास में है. द नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो पैसा जो मैं खुद के लिए कंज्यूम कर सकता था, वही पैसा मैंने आपको दिया. कंज्यूम करना मतलब खर्चना नहीं होता है. आई वुड हैव इन्वेस्टेड इट समवेयर, तो मेरे को कुछ रिटर्न मिलता. लेकिन वो पैसा मैंने आपको दिया, तो मेरे को आपसे भी कुछ चाहिए होगा. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहला था रिस्क फैक्टर, दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड नाउ द थर्ड इज वैल्यू ऑफ मनी डैश ओवर टाइम. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वैल्यू ऑफ मनी डैश ओवर टाइम डिक्रीजेस ओवर टाइम. बाय वैल्यू आई मीन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. 70 ईयर बैक मैं नहीं था, मेरे दादाजी कमाते थे. ही यूज टू अर्न लेट्स सपोज 1,000 पर मंथ. एंड आज मैं हूं, टुडे आज मैं कमाता हूं, आज मैं कमाता हूं 2 लाख रुपीस पर मंथ. 2 लाख रुपीस पर मंथ. यू नो लेट अस मेक वेरी सिंपल assumption कि जो बंडल ऑफ गुड्स उस समय मिलता था 1,000 रुपए में, आज वही बंडल ऑफ गुड्स 2 लाख रुपए में मिलता है. एक बहुत ही सिंपल से मैं assumption ले रहा हूं. लाइक ऐसा नहीं है कि उस समय का 1,000 और आज का 2 लाख सेम है, बट मैं मान के चलता हूं उस समय का जो 1,000 था और आज का जो 2 लाख है, जो बंडल ऑफ गुड्स उस समय खरीदते थे, लाइक घर की नेसेसिटीज हो गई, कुछ भी, आज वही हम लोग 2 लाख रुपए से खरीदते हैं. ठीक है? तो अगर ऐसा है तो आप मेरे को सिर्फ इसका जवाब देना कि अगर आज मेरे पास 1,000 रुपया ही होगा तो क्या मैं सेम बंडल ऑफ गुड्स खरीद पाऊंगा, ज्यादा खरीद पाऊंगा ना कम खरीद पाऊंगा? द आंसर इज कम. सो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम. क्यों? इन्फ्लेशन. ठीक है? सो चीजें धीरे धीरे महंगी होती जा रही है, बट ऐसा नहीं कि सब चीजें महंगी होती है. सो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम. इसका एक बहुत ही सिंपल एजम्पशन दिया, बट ऐसा मत कंपेयर करना कि उस समय का 1,000 और आज का 2 लाख सेम है. हो सकता है कि उस समय का 1,000 एंड आज का लाइक 50,000 सेम हो. लाइक बेसिकली बोलने का मतलब यह था कि उस समय जो 1,000 रुपए में घर चलता था, आज 2 लाख रुपए में घर चलता है, ऐसा मैंने माना है. ठीक है? आप लोगों को समझाने के लिए कि वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है. बाय वैल्यू वी मीन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, द बंडल ऑफ गुड्स दैट आई एम एबल टू परचेज. ठीक है? ओके. सो एक और लाइन बोलू. जो पैसा मेरे दादाजी ने 50 साल में कमाया, वही पैसा मैं 5 साल में कमाया. इसका मतलब क्या है? नॉमिनल टर्म्स में तो दोनों सेम हो गए, बट अगर आप रियल टर्म्स में देखोगे तब आपको समझ में आएगा. ठीक है?
सो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम. अब एक बात समझना, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था, लाइक आई एम गिविंग समवन 10,000 एंड अगर वो मेरे को 5 साल के बाद में वो पैसा वापस दे रहा है, तो सिर्फ मेरे को इतना बताना, जैसे आज मैंने उसको 10,000 दिया तो उसका वैल्यू आज कितना है? 10,000. 5 साल बाद इफ ही रिटर्न्स मी 10,000 ओनली, लाइक ऐसा मान के चलते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स ही रिटर्न्स मी 10,000 ओनली, तो 5 साल के बाद में जो 10,000 मिलेगा उसका वैल्यू 10,000 ही रहेगा? 10,000 से कम हो जाएगा ना 10,000 से ज्यादा हो जाएगा? द आंसर इज 10,000 से कम हो जाएगा. तो अगर उसका वैल्यू 10,000 से कम हो जाएगा तो आई विल नीड समथिंग एक्स्ट्रा, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा. तो मैं बोलता हूं नहीं यार 10,000 तो नहीं, आपको मेरे को 13,000 रुपये देना पड़ेगा. सो ये जो एक्स्ट्रा 3,000 मेरे को मिला है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट. ये मेरे को क्यों मिला है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम, करेक्ट. लाइक अगर मैं आज के हिसाब से देखूं तो आज मैंने उसको 10,000 रुपये दिया, 10,000 का वैल्यू आज 10,000 रुपये है, लेकिन 5 साल बाद जो मेरे को 10,000 मिलेगा उसका वैल्यू आज कितना है? 10,000 ही है, 10,000 से ज्यादा है ना 10,000 से कम है? ऑब्वियस बात है 10,000 से कम होगा, ठीक है. तो आई विल नॉट नीड 10,000, आई विल नीड समथिंग एक्स्ट्रा, एंड जो मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट. नाउ व्हाई डू वी पे इंटरेस्ट? अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप उनको बता सकते हो. देयर आर मेनी फैक्टर्स. पहला है रिस्क फैक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क फैक्टर? अगर सामने वाला मेरा पैसा लेके भाग गया तो, मेरे को मेरा पैसा नहीं दिया तो, जिसको आज बैंक्स में क्या होता है, आज बैंक्स हम लोग से इंटरेस्ट क्यों चार्ज करते हैं? बिकॉज बैंक्स कितना सारा रिस्क से डील करते हैं. देयर इज क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? सामने वाला पार्टी अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, भाई मेरा पैसा मैं आपको क्यों दूं? वही पैसा अगर मैं कहीं और लगाता तो मेरे को रिटर्न मिलता. बाय कंजम्पशन आई डोंट मीन खर्चना पैसे को. अगेन वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम. व्हाट डू मीन बाय डिक्रीजेस ओवर टाइम? पैसे का जो वैल्यू, मतलब जो परचेजिंग पावर है, लाइक अगर मान लो 70 साल पहले जो 1,000 रुपये में बंडल ऑफ गुड्स मैं खरीद पाता था, अगर आज मेरे पास 1,000 रुपया होगा तो मैं सेम बंडल ऑफ गुड्स खरीद पाऊंगा, ज्यादा ना कम? कम. तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम, बहुत सिंपल है. अब मैंने आपको ये बोला कि 10,000 मैंने आज लेंड किया, तो 10,000 का वैल्यू आज तो 10,000 ही रहेगा, लेकिन 5 साल बाद अगर मेरे को 10,000 ही मिले तो उसका वैल्यू क्या रह जाएगा? उसका वैल्यू 10,000 ही रहेगा? 10,000 से ज्यादा होगा ना 10,000 से कम होगा? इसको देख के बोलिएगा. वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम. सो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम, तो उसका जो वैल्यू रहेगा वो 10,000 से कम हो जाएगा. सो आई नीड समथिंग एक्स्ट्रा. आई विल नीड 13,000, 14,000, 15,000, समथिंग एक्स्ट्रा. और वो जो एक्स्ट्रा जो मेरे को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट. सो नाउ इट्स क्लियर व्हाई डू वी पे इंटरेस्ट, व्हाट इज इंटरेस्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. दिस एक्स्ट्रा दैट आई एम गेटिंग इज ड्यू टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी. ओके ओके, एक और बात, अगर आपको परचेजिंग पावर में हल्का सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट इज परचेजिंग पावर? परचेजिंग पावर का मतलब होता है मैं कितना गुड्स खरीद पा रहा हूं, लाइक व्हाट आई एम एबल टू परचेज विद दैट. एक होता है नॉमिनल मनी, 100 रुपया, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट वील मूव ऑन टू सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट हमने सबने पढ़ा है क्लास 8 में, वी ऑल हैव स्टडीड राइट. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज SI इज इक्वल टू PRT/100, प्रिंसिपल जितना मैंने आज जमा किया इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. सो इट्स वेरी सिंपल. मैं आपको बहुत सिंपल से एक ट्री डायग्राम से समझाता हूं. आई हैव इन्वेस्टेड 1,000 टुडे एट द रेट 6% पर एनम. सो हाउ डज दिस वर्क? आफ्टर 1 ईयर 1,000 एंड 1,000 से 6%, मतलब 60 रुपीज मेरे को इंटरेस्ट का मिलेगा. अगेन नेक्स्ट ईयर का अगर मैं बात करूं, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है खाली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है द
देन दैट बिकम्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मैं आपको ट्री डायग्राम से समझाऊंगा, आप लोग सबको समझ में आ रहा है? तो अब देखो, अब अगेन ये मेरा फर्स्ट ईयर का था, अब नेक्स्ट ईयर में अगर हम लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अगेन 1000 से ब्रांचेस निकलेगा, 1060, बट ये 60 से ब्रांच नहीं निकलेगा बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर इस 60 से मैं ब्रांच निकाल दूंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो कहना इसे कि इफ माई प्रिंसिपल इज कॉन्स्टेंट, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट है 1000 पे, तो मेरा जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो हर साल 60 ही रहेगा, करेक्ट? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब खाली प्रिंसिपल, मूल पे आपको ब्याज मिलता है एंड आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। क्लियर? ओके, देख अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दू, लाइक 1000 एट द रेट 4%, 1000 को मैंने 4% पे इन्वेस्ट किया है फॉर 5 ईयर्स, 1000 को मैंने 4% पे इन्वेस्ट किया फॉर 5 ईयर्स, सो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स? सो इट्स वेरी सिंपल, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। नाउ रेट को देखो, मैंने 0.04 लिखा है, व्हाट इज 4% एंड व्हाट इज 0.04? देयर इज अ डिफरेंस, 0.04 इज इन डेसिमल्स, ठीक है, एंड 4%, 4% का मतलब क्या होता है, 4/100। तो जो रेट है ना, रेट वो वहां पर परसेंटेज में था, यहां पर जो है ना ये जो रेट है ये परसेंटेज में था। देखो 4%, सो व्हाट इज 4%? 4/100। ठीक है, सो आप लोग यहां पर 0.04 भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट 4/100, और यू कैन राइट 4/100। सो 1000 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, क्लियर? या फिर 0.04 भी यूज कर सकते हैं। इफ यू यूजिंग 0.04 देन इट इज इन डेसिमल्स, एंड इफ यूजिंग 4/100 देन परसेंटेज, जैसे 4%। ओके, सो दिस कम्स टू, प्लीज आप लोग इसको कैलकुलेट करके मेरे को बताएं किसका आंसर कितना आ रहा है। व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 1 ईयर? 1000 का 4% इज 40, सो व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 5 ईयर्स? 200। सो इफ आई आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द अक्यूमुलेटेड अमाउंट दैट आई विल गेट आफ्टर 5 ईयर्स? लाइक आज मैंने 1000 रुपये जमा कराया कहीं पर सिंपल इंटरेस्ट 4%, तो 5 साल के बाद में मेरे को कितना रुपया मिलेगा इन टोटल? तो ये तो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। सो देर इज अ फॉर्मूला फॉर अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस कम्स टू 1000 प्लस 200 विच इज 1200, 1000 प्लस 200 विच इज 1200, सो दिस इज द अमाउंट विच आई एम गोइंग टू गेट आफ्टर 5 ईयर्स, क्लियर? सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जिसमें खाली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, वी डोंट गेट इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, ओके, सो यू ऑल कैन कॉपी दिस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी हमने क्लास 8-9 में पढ़ रखा है। सो व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? आप इसका फॉर्मूला देखिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1/R/100 होल टू द पावर टी, 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर टी।
देखो मैं आपको ये टर्म्स अच्छे से समझा देता हूं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है वो अमाउंट, आई मीन वो पैसा जो मैं आज जमा करने जा रहा हूं, सो दैट इज प्रिंसिपल। आज अगर मैं बैंक में जाके 5,000 रुपीज जमा कराता हूं, तो व्हाट इज माय प्रिंसिपल? 5,000। व्हाट इज अमाउंट? अमाउंट वो है जो मेरे को फ्यूचर टाइम में जाके मिलेगा, मे बी 2 साल के बाद अक्यूमुलेट हो, मे बी 3 साल के बाद अक्यूमुलेट हो। तो अमाउंट इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर। रेट मतलब कितने ब्याज मिलेगा मेरे को, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज द रेट बाय विच माई फंड विल ग्रो, एंड टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होल टू द पावर टी। ओके, अब देखना इसमें मैं आपको ट्री डायग्राम से समझाऊंगा। लेट्स से सपोज 100 इज इन्वेस्टेड एट द रेट 6%। सो क्या होगा अब यहां पर? फॉर द फर्स्ट ईयर 106। अच्छा, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट में भी यही चीज था, करेक्ट? सिंपल इंटरेस्ट में भी यही चीज था। नाउ फॉर द नेक्स्ट ईयर 100 विल अगेन 106। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा मतलब 6 × 0.06, दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। मतलब प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है। इफ आई जस्ट हाईलाइट दिस फॉर यू, प्रिंसिपल पे तो, सॉरी, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है। इज इट ओके? प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला। तो जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, देन दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इट्स बेस्ट व्हेन वी लुक एट दिस ट्री डायग्राम। ओके, सो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। लाइक लेट्स से सपोज वन थाउजेंड इज इन्वेस्टेड एट द रेट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो इसका हम लोग को वो डायग्राम बनाना है, ठीक है? सो पहले 1,000 से ब्रांचेस निकलेंगे, 1,000 एंड 100, करेक्ट? दिस वॉज द फर्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अगेन 1,000 से ब्रांचेस निकलेंगे, 1,100, बट इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगेन 110। सो द टोटल कम्स टू आई गेस 1,210, 1,100, हाँ, तो 1,210। सो दिस इज हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट वर्क्स। आप लोग को एक मैं दिखाता हूं, द मेन पॉइंट इज जस्ट फोकस, रेड में देखना। यहां पर जो टी है वो पावर में था, एंड यहां पर जो टी है वो नीचे था। सो दिस इज द डिफरेंस। पैसे का कंपाउंडिंग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। नाउ वेरी सिंपल थिंग, लाइक मैंने आपको ऐसे दिखाया, इसको एक और तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। आप लोग चीज समझना। नाउ 1,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट, 1 + R/100 होल टू द पावर टी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? मैं इस पे फोकस करना चाहता हूं। अगर आपने इस पे फोकस किया, देन आपका पूरा फाइनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ टर्म विच इज कॉल्ड अक्यूमुलेशन फैक्टर। व्हाट इज अक्यूमुलेशन फैक्टर? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ। व्हाट इज अ फैक्टर? लाइक अगर हम लोग देखें यहां पर, सो दिस इज वन, और यहां पर ये आएगा मेरा 0.1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 / 100 इज 0.1,
सो 1.1 का स्क्वायर, आई एम ब्रेकिंग इट डाउन, विच कम्स टू 1.1 इंटू 1.1। ओके, सो मैं एकदम सिंपल से आपको बात समझाता हूं। 1000 को अगर मेरे को 1 साल आगे लेके जाना है तो व्हाट विल बी माय अक्यूमुलेशन फैक्टर? 1.1। 1.1 क्या है? आज 1 रुपया डाला, 10% से ग्रो किया उसको, एंड 1 साल के बाद में कितना मिलेगा? 1.1। सो दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स माय फंड विल ग्रो इन द फर्स्ट ईयर। सो आप अगर आज 1 रुपये डालते हो तो 1 साल के बाद में 1.1 मिलता है। तो आज अगर आप 1000 डालते हो तो 1 साल के बाद में कितना मिलेगा? 1000 इंटू 1.1। 2 साल के बाद में कितना मिलेगा? अगेन इंटू 1.1। सो इट्स वेरी सिंपल एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोन एज अक्यूमुलेशन फैक्टर। कितना टाइम्स मेरा पैसा हो गया, मेरा पैसा कितना गुना हो गया, कितना टाइम्स मेरा पैसा हो गया। ठीक है, सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। लाइक लेट्स सपोज यहां पर, जैसे ये तो इसका तो आंसर मेरे को पता ही है। नाउ लेट्स सपोज मेरा इंटरेस्ट रेट इज 5%, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड मेरे को 3 साल पैसे को अक्यूमुलेट करना है, 3 साल पैसे को अक्यूमुलेट करना है, तो क्या होगा? पहला साल का मेरा जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? अगर आप लोग देखिए, मान लेते हैं 1000 रुपये ही इन्वेस्ट किया है, सो 1000 वन प्लस 5/100 का क्यूब, 1000 वन प्लस 5/100 का क्यूब, यही होना है। तो ये जो 5/100 है ये क्या हो जाएगा? 0.05, एंड 1 प्लस 0.05 इज व्हाट? 1.05। 1.05 का क्यूब, 1000 तो बाहर में है ही, तो ये जो 1.05 का क्यूब है इसका मतलब क्या है? अगर मेरे को पैसा को 1 साल आगे लेके जाना है तो क्या होता है? 1.05। 2 साल आगे 1.05 का स्क्वायर, 3 साल आगे 1.05 का क्यूब। दिस इज द फैक्टर मेथड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अपने दिमाग में बिठाएं, ये मेन चीज है इसमें। मेरे को मेरा पैसा को 8% से ग्रो करना है 5 साल, 5 साल, तो व्हाट विल बी द फैक्टर? व्हाट विल बी द फैक्टर आई एम आस्किंग? 1.08 टू द पावर 5। अगर मेरे पैसे को 4 साल से 1.08 टू द पावर 4, 3 साल 1.08 का क्यूब। ठीक है, तो ये मेन चीज है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब पैसा को आगे लेके जा रहे हैं तो हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अक्यूमुलेशन फैक्टर का मतलब क्या है? हाउ मैनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन, हाउ मैनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन, मेरा पैसा कितना गुना हो गया। ठीक है, तो ये मेन चीज था जो हम लोग को समझना था इसमें। 11% से मान लो पैसा को ग्रो करना है, एंड 2 साल के लिए ग्रो करना है, तो अगर 1 साल, फॉर एग्जाम्पल समझ लो 1000 है, एट द रेट 11% फॉर 2 ईयर्स, 1000 तो आज है ना, जीरो पे है, जीरो पे 1000 है। अगर 1000 को 0 से 1 पे लेके जाना है, मतलब 1 साल आगे लेके जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? व्हाट विल बी द फैक्टर? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब सोचो, 1.11 से। 1000 को अगर 0 से 1 पे लेके जाना है, मतलब 1 साल आगे लेके जाना है, तो 1 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज व्हाट? 1.11। अगर 1000 को 2 साल आगे लेके जाना है, 2 साल आगे लेके जाना है, तो 2 साल का फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 1.11 का स्क्वायर। 4 साल आगे लेके जाना है, 1.11 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये मेन चीज था कि 1000 को अगर आगे लेके जाना है तो किस तरीके से आगे लेके जाना है। 1.11 टू द पावर 4, जो फैक्टर वाला मेथड है ये मेन चीज है। ठीक है, अगर 1 साल आगे लेके जाना है तो 1.11, 3 साल आगे लेके जाना है तो 1.11 का क्यूब। ठीक है, तो ये वाला एकदम
बहुत अच्छे से होना चाहिए था, एंड आई होप सो ये हम लोग ने एकदम अच्छे से इसको कवर किया है। ठीक है, तो अब हम लोग एक दो सम करेंगे, उसके बाद देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके, सो आई एम डिक्टेटिंग अ सम विच यू कैन राइट। सो टेन थाउजेंड इज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स। 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स एट द रेट 12%। पार्ट वन में आपको करना है इसको सिंपल इंटरेस्ट से, एंड पार्ट टू में आपको इसको करना है कंपाउंड इंटरेस्ट से। हम लोग को कैलकुलेट द अक्यूमुलेटेड वैल्यू या फिर अमाउंट जो भी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो ये आप लोग को अभी सॉल्व करना है। आई एम गिविंग यू ऑल द टाइम, आप लोग अभी इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई नीड द अमाउंट, नॉट द इंटरेस्ट, आई नीड द अमाउंट कि कितना अमाउंट मिलेगा 3 साल के बाद में।
मैंने बोला था सिंपल इंटरेस्ट, सो 10,000 इंटू रेट, इंटू टाइम विच इज 3 ईयर्स. सो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट, अगेन प्लस 10,000. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, एंड फॉर द नेक्स्ट वन इट इज 10,000 इंटू 1.12 का क्यूब. सो दिस विल कम टू, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू ऑल कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज 1,40,049.28, एंड नाउ द सिंपल इंटरेस्ट वन विच इज 13,600. So this is our first question. I hope so everyone has understood this. बहुत सिंपल तरीके से भी इसको कर सकते थे, लाइक कैसे 10,000 का 12% विच इज 1200, एक साल का 1200, तो 3 साल का कितना 3600. सो 3600 प्लस 10,000 कम्स टू 13,600, दैट इज फॉर द सिंपल इंटरेस्ट. एंड थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेरे को कैलकुलेट करना पड़ा विच इज 1.12 का क्यूब, बिकॉज 10,000 जो आज है अगर मेरे को उसको एक साल आगे लेके जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, 1.12 से मल्टीप्लाई. अगर मेरे को उसको 2 साल आगे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1.12 का स्क्वायर. अगर 3 साल आगे लेके जाना है तो 1.12 का क्यूब. क्लियर? ओके, सो दिस वॉज ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इन टूडेज क्लास विल जस्ट स्टार्ट and we'll continue with that topic in the next class. So the topic is, let's say suppose I'm investing 100 rupees today and after 1 year I'm getting 110. So my interest rate kitna hua? 10%, correct. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आया कैसे. देखो, सो 100 इंटू 1.1 सो 100 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 110. तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे को एक साल के बाद में 110 मिला एंड 10% इंटरेस्ट रेट था, तो बताओ कि मैंने स्टार्टिंग में कितना जमा किया था, व्हाट इज द अमाउंट दैट आई डिपॉजिटेड. इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग. अभी तक हम लोग अक्यूमुलेशन कर रहे थे, कंपाउंडिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग करेंगे डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग मतलब एक सम ऑफ मनी जो फ्यूचर में खड़ा है उसको टान के प्रेजेंट में लाना. दो ही चीज होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, या फिर पूरे फाइनेंस में से आपको दो ही चीज मिलेगा, एक सम ऑफ मनी जो आज प्रेजेंट में है उसको फ्यूचर में कैसे भेजना है, दिस इज कंपाउंडिंग. एंड एक सम ऑफ मनी जो फ्यूचर में खड़ा है उसको टान के प्रेजेंट में कैसे लाना है, दिस इज डिस्काउंटिंग. सो नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू डिस्काउंटिंग. सो इट्स नथिंग लाइक वैसा कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत चीज समझना बहुत सिंपल है. मैं बोल रहा हूं 110 मिला मेरे को एक साल बाद, तो आज कितना मिला, तो उसको टानना पड़ेगा ना. एंड इंटरेस्ट रेट कितना है 10%. तो एक बात बताना, जब पैसा को आगे लेके जा रहे थे तब क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई. अब जब पैसा को पीछे लेके आएंगे तब हम लोग करेंगे डिवाइड, तभी तो इफेक्ट नलीफाई होगा ना, करेक्ट. जब पैसा को आगे लेके जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. अब जब पैसा को पीछे लेके आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड. देखो इस इक्वेशन से कैसे समझ में आएगा, अगर मेरे को 100 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 110 बाय 1.1.
ठीक है। सो ये जो डिवाइड जो किए है ना, ये डिवाइड कब करते हैं, जब हम लोग को टानना होता है पैसा को। अच्छा एक बात बताना, क्या चीज बड़ा होगा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू ना प्रेजेंट वैल्यू? ऑब्वियस सा बात है, ये बड़ा होगा, अक्यूमुलेटेड वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू से कुछ डिवाइड कर रहे हैं तब जाके मेरा क्या आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, लाइक जैसे अगर मानो ये 0 है और ये 2 है, यहां पर 100 है, 10% का इंटरेस्ट रेट है। सो 100 इंटू 1.1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 121। तो अब मान लो मेरे को 121 दिया हुआ है और बोलता है कि टाइम 0 पे कितना इन्वेस्ट किया था ये बताने हैं, तब वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सो 121 बाय 1.1 का स्क्वायर, क्लियर। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। जब 1 साल पुल बैक करना था तो डिवाइड किससे किए, 1.1 से, जो कि 1 साल का फैक्टर था। 2 साल टानना हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 1.1 का स्क्वायर से। 5 साल टानना हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 1.1 का पावर 5 से। 10 साल 1.1 पावर 10 से। तब जाके मेरा क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ओके सो ये हम लोग का होता है डिस्काउंटिंग, ये हम लोग का होता है डिस्काउंटिंग, क्लियर। अब मैं आपको एक और समझाता हूं चीज। अब जैसे मान लो इफ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, देन आई एम जस्ट टेलिंग यू, यहां पर 100 है, यहां पर 200 है और यहां पर 300 है, ठीक है। अगर 1 साल टानना हो पैसे को तो किससे डिवाइड करेंगे, मान लेते हैं अवर इंटरेस्ट रेट इज 7%, मान लेते हैं अवर इंटरेस्ट रेट इज 7%, ठीक है। तो 7% अगर इंटरेस्ट रेट है, अगर ये जो 100 जो टाइम 1 पे खड़ा है, अगर इसको टाइम 1 से टाइम 0 पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे, 1.07 से, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो पैसे को आगे लेके जाना होता, अगर मान लो पैसे को आगे लेके जाना होता तो मल्टीप्लाई करते, तो किससे मल्टीप्लाई करते, 1.07। व्हाट इज 1.07, व्हाट इज दिस 1.07, 1.07 है मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर। लाइक अगर ये वाला एग्जांपल एक बार छोड़ो, तो अगर जैसे मान लो 100 रुपये को मेरे को 2 साल आगे लेके जाना है तो क्या करना पड़ता, 100 इंटू 1.07 का स्क्वायर, 100 इंटू 1.07 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ अब पैसा को पीछे लेके आना है, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, देखो अगर हम लोग इस लॉजिक से जाएं तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 1.07 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1.07 का स्क्वायर प्लस 300 डिवाइडेड बाय 1.07 का क्यूब। बिकॉज जो 300 जो टाइम 3 के जो एंड में है, उसको कितना साल पुल बैक करना पड़ेगा, 3 years। तो अगर मेरे को 3 साल पुल बैक करना पड़ेगा तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.07 का क्यूब से, 1.07 का क्यूब से। तो दिस इज हाउ वी लर्न डिस्काउंटिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहां पर है 500, 500 है, इंटरेस्ट रेट इज 8%। अब मैं सारा कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहा हूं, सारा का सारा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बात कर रहा हूं। तो 500 को अगर 1 साल आगे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे, मल्टीप्लाई 1.08 से। अगर 2 साल आगे लेके जाना है तो मल्टीप्लाई किससे, मल्टीप्लाई 1.08 का स्क्वायर से। अगर 3 साल आगे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे, मल्टीप्लाई 1.08 का क्यूब से, क्लियर। अब मान लो, अब मान लो, अब मान लेते हैं कि 8% ही इंटरेस्ट रेट है एंड 500 खड़ा है ईयर 3 के एंड पे,
500 खड़ा है ईयर 3 के एंड पे, ठीक है, तो इसको टान के जीरो पे लाना पड़ेगा। टान के जीरो पे कैसे लाएंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है, ये मेरा अक्यूमुलेटेड वैल्यू है। अक्यूमुलेटेड वैल्यू को डिवाइड करेंगे फैक्टर से, जो अपने फैक्टर मेथड सीखे हैं, अक्यूमुलेटेड वैल्यू को जब अपने फैक्टर से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा अपना प्रेजेंट वैल्यू। तो अपने को 500 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.08 का क्यूब से, बिकॉज 3 साल पुल बैक करना है ना, तब अपना क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। कौन सा बड़ा होगा, अक्यूमुलेटिव वैल्यू बड़ा होगा, तो उसको डिवाइड कर रहे हैं तब जाके मेरा क्या आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। बिकॉज बहुत सिंपल है, 500 तो टाइम 3 पे है, तो जो मैं डिपॉजिट किया होगा लाइक जो प्रिंसिपल है, अगर उसमें 1.08 का क्यूब मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू आना चाहिए। एंड ये जो अक्यूमुलेटेड वैल्यू है वो यहां पर क्या है 500 है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब बहुत इसको जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो है ना लाइक 500 इंटू 1/1.08 का क्यूब, ये जो है ना इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एक होता है अक्यूमुलेशन फैक्टर आगे लेके जाना, और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो ये आपको दे देगा, जैसे ये 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, व्हाट इज 1 ईयर, आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप लोग को मैं बताता हूं, अगर मान लो इंटरेस्ट रेट है 8%, तो हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। अब तुम्हें समझ में आ गया ना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं 8% का, 1/1.08, 1/1.08, ये मेरा 1 साल का हुआ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 1/1.08 का स्क्वायर, ये मेरा 2 साल का हुआ। 1/1.08 का क्यूब, ये मेरा 3 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हुआ, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जनरली दे गिव यू इन द एग्जाम, आप लोग को एग्जाम में दे देगा, बस खाली आपको अप्लाई करना है। लाइक मेरे को अभी यहां पर पता नहीं कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, लेट्स से सपोज इसका जो वैल्यू है ये आता है 0.75। मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, आप लोग इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। लाइक इफ दिस इज 0.75 देन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, 500 इनटू 0.75, दिस दे विल गिव यू इन द एग्जाम, बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। बहुत सिंपल है, अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता है 1.08, 2 साल का 1.08 स्क्वायर, 5 साल का 1.08 टू द पावर 5। अगर मेरे को 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए 8% का, तो क्या करेंगे 1/1.08 टू द पावर 5। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। एक लास्ट क्वेश्चन, 10% का, 10% का 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या बनेगा, आप लोग पहले आराम से सोचो। अच्छा अगर आप लोग को ये टफ लग रहा है तो पहले सोचो 10% का 2 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बनता है, बिकॉज देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अक्यूमुलेशन फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इट गोज लाइक दिस, ए एफ इज इक्वल टू 1/ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। देर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, आप लोग देख लीजिए, अगर 1 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है 1.1, तो 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है 1/1.1। अगर 2 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर है 1.1 का स्क्वायर, तो 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है 1/1.1 का स्क्वायर। क्लियर, लाइक 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो इट्स लाइक 1/ वी राइट इट लाइक दिस, ऐसे भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली वी राइट इट लाइक दिस 1/1.1 का स्क्वायर। अगर मान लो 5 साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा 1.1 टू द पावर 5, और 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या हो जाएगा 1/1.1 टू द पावर 5। दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर इन योर माइंड, यू कैन राइट इट डाउन लाइक व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अक्यूमुलेशन फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, व्हाट इज अक्यूमुलेशन फैक्टर, हाउ मेनी टाइम्स माय फंड हैज ग्रोन। लाइक अगर मैं आपको बोलूं कि 100 इंटू 2 इज 200, सो दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज माई अमाउंट या फिर अक्यूमुलेटेड वैल्यू, एंड दिस इज माई अक्यूमुलेशन फैक्टर, सो हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन 2 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन, इट हैज ग्रोन 2 टाइम्स। अगेन 100 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 50, सो दिस इज माई अमाउंट ऑब्लिक अक्यूमुलेटेड वैल्यू, दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू, एंड दिस इज माई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कुछ
कुछ किसी से भी आ सकता है ये, 10% से, 12% से, किसी से भी आ सकता है ये, या आप लोग को निकालना भी मैंने सिखाया है, ठीक है, एंड आप लोग को ये चीज आना भी चाहिए, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास वील डू अ लॉट ऑफ सम्स एंड देन लाइक वील मूव अहेड विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंटिंग एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स. मैं आपको कुछ निकालने के लिए भी दूंगा, सो यू विल फील अ बिट मोर कंफर्टेबल. सो ओके, थैंक यू ऑल फॉर दिस, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.